नमस्कार, हम बानी जीत कुमार और सब चालू कर दिलवानी निष्ठक भोजपुरी देखे। दरअसल एक बार हम फिर से आज बात कर रहा हूँ, हाँ, पवन खेसारी वाला सुलहा के बारे में भाई। हाँ, सुलहा के बारे, और साथ में अब पूरा झगड़ा सुलहा हो गई तो जोना अवार्ड शो में गोल बढ़न जा आ कि करा के काम मिल बा, इहो तो जानल जरूरी बा कि ना। न तो कह जाए यार खाली झगड़े के बाद चर्चा में रही गल हो और जगह कवन अवार्ड भले ओकर बारे में तो केहू बतेबे ना कही। तो भाई बताएं बताएं, थोड़ा सा सब्र करी उका करी, चैनल पर नया बने सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और फैला दी ना दोस्तों सकले संगे मित्र दया संगे भी। तो चलिए अब हम वो अपडेट वाला चालू कर देवे। देखिए जो ना हिसाब से गले मिल के गदगदा गुल बड़ा बात तो पूरा इंडस्ट्रीज के मतलब लोग ही ऐसा लागत है कि यार पूछा मत, एकदम से गर्दा बा अब इंडस्ट्री के रोक ना सकल। लेकिन एगो पक्ष ऐसा भी कह रहा बटे कि यार ये तो दोनों जवान मिल गए सब तो अब का हुई का संगे संगे फिल्म बनाया सब उ भी एगो अलग पक्ष कहता। लेकिन एगो अलग पक्ष और भी बटे कि जितना भोजपुरी के सिंगर लोग जो नौका नौका बढ़ जो बड़का स्टार बनल चाहत रह जाए वह लोग के एक बार फिर से बंटाधार हुए। पूछा कहाँ है वो लोग ये चाहत रह जाए कि यार ये दोनों जवान सर्च से जैसे ही बाहर हो फंसो कि हमने के काम चल जाए। लेकिन ये मतलब एगो जाना 10 गो एल्बम करे एक महीना में तो एगो 15 गो एल्बम करे 10 महीने में एक महीना में, मतलब एनी टाइम देखो तो खाली पवन खेसारी यानी नया सिंगर लोग के दौड़ ऐसा बटे ना यो लोग दौड़ल तो चाह तरन जा लेकिन दौड़ नहीं खे पावत जा और शायद यही दौड़त दौड़त में हाँफ जा तरन जा और इंडस्ट्री से बाहर हुए तरन जा। तो फाइनली नया सिंगर लोग एक बार फिर से दुख के घड़ी जोन बटे ना एक बार फिर से छागुल फिर से मतलब देखो सुलहो कैलन जाना होते हैं लोग चर्चा में बढ़ जाए। लेकिन हमको ये नहीं खेला हुआ कि सुलहनामा कितना दिन चली है, सोच के बताओ जाना कितना दिन चली, 1 महीना 2 महीना 3 महीना साल भर का है कि भाई एक से पहले भी हम लोग खाली सुलह भे रहे बर्थडे पर खूब गले मिल रहा जाए भैया होवन हो चाचा होवन हो फलाना होवन हो डिंचा होवन हो गुरु होवन हो। लेकिन का भाई लोगों में कुछ ना हो तो हमके जहाँ तक उम्मीद बनो कि एक विषय में भी हमको कुछ ऐसा है समझ में आता। अब रहा लोग इनका लगा था कितना दिन चल सकेला। चलिए वो कुल छोड़ी अब आ जाइए अवार्ड के बारे में। देखिए फिल्म फेयर अवार्ड जोन भइल बाटे भैया और ओकरा में का मिलल बा ओकरा बारे में भी जानना जरूरी बना। तो सब बता दी कि देखिए पवन सिंह के ना मिलल बाटे बेस्ट आइकॉन के अवार्ड, मतलब उनकरा के देख के बहुत लोग सीखलन यानी बहुत लोगों के आइकॉन हो एकर अवार्ड मिलल बा भैया पवन सिंह के। और शायद बहुत लोग उनकरा के देख के गाना गावल सीखलन उनकर सुर और आवाज़ के लगलन बस उनकर आदत सीखलना चाहलन। हाँ बाकी का और कुछ सीखल चाहेलन लोग लेकिन आदत ना, क्या अगर आदत के सीख ली तो फिर तो पूछा मत उनकर बंटाधार लाग जाए। बाकी उनकरा के एगो और अवार्ड से मिलल बटे का कहल जला बेस्ट सिंगर के अवार्ड। हाँ बेस्ट सिंगर के अवार्ड मिलल बटे तो भाई पवन सिंह के अगर का कहल जला एक दो आदमी लेके गए लोग कि भाई चलो जा हमारा अवार्ड अवार्ड उठा के लेके आ जा। लेकिन खेसारी लाल के काम मिलल बटे उससे पहले हम काजल राघवानी के बारे में बात कर ले। देखिए काजल राघवानी के मिलल बटे बेस्ट फीमेल मतलब आइकॉन के अवार्ड, मतलब जैसे कि इनकारा के देख के क्यों हीरोइन बन के सीखे। अब इनकारा के देख के क्यों कैसे हीरोइन बन के सीखे जितना ही मोट बाड़ी जितना ही चाची लेखा लागत तरी अब मतलब ऐसा लोग बनो गजब बाल बटे। चलिए अब खेसारी लाल के बता दें खेसारी लाल के मिलल बटे बेस्ट इंटरटेनर अवार्ड, मतलब खेसारी लाल के बेस्ट इंटरटेनर अवार्ड जो मिलल बटे भैया ओकरा के लेके बहुत जनों को लगा था कि यार शायद खेसारी लाल के यार छोट मोट झुंझुना सब समाज हो गए बटे। लेकिन ऐसा कोनो बात नहीं के इंटरटेनर के मतलब बोला कि भैया सबके मतलब हर इंसान के इंटरटेन करत रहो और उके ऑलराउंडर कहल जाला जैसे कि टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। तो भैया ये हर काम कर दिया जाए बढ़िया से बॉलिंग भी कर लिया जाए अच्छा फील्डिंग के भी परफॉर्मेंस दे दिया जाए जरूरत पड़ी तो बैटिंग में मार मार के गर्दा कर दिया जाए। तो फाइनली खेसारी लाल के एवरी के वही अवार्ड से नाजल गुलबा जम के बेटर सुंदर अति सुंदर बटे। तो फाइनली फिल्म फेयर अवार्ड में यह बटे दोस्ती कितना दिन चली कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी वीडियो में इतना ही, हम जीत।